अर्की उपमंडल की पंचायत कुहर के गांव चढ़ी के लोग जल वितरण प्रणाली व चोटू गांव को जाने वाली मुख्य पाइपलाइन पर विभाग द्वारा पानी वितरण के लिए चाबी न लगाने के चलते लगभग एक वर्ष से पेयजल समस्या से पीड़ित है। लोगों का कहना है कि चढ़ी गांव को लगभग 40 साल पुरानी आधा इंच पाइप से पानी की सप्लाई होती थी, लेकिन विभाग द्वारा सप्लाई में कठिनाइयों के चलते पौना इंच की पाइप लगाई गई, लेकिन समस्या हल होने के बजाय ज्यादा हो गई है। लोगों का कहना है कि पानी की असली समस्या चलते चोटू गांव को जाने वाली 1.5 इंच की पाइपलाइन पर चाबी ना लगी होना है। लोगों का कहना है कि चोटू गांव के लिए मुख्य सप्लाई लाइन में लगी पानी बंद करने की चाबी वहां से गायब कर दी गई है, जिसके चलते चोटू गांव को जाने वाली 1.5 इंच की पाइप में उतराई के चलते पानी तेजी से जाता है। वहीं उसी कारण ऊंचाई पर स्थित चढ़ी गांव को जाने वाली पौना इंच की सप्लाई लाइन में पानी पूर्ण तौर पर सप्लाई नहीं हो पाता है। चढ़ी गांव के द्वारा कई बार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 पर शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी विभाग समस्या का हल नहीं निकाल पाया है। उनका कहना है कि जब भी उन्होंने 1100 पर शिकायत दर्ज करवाई है तो विभाग के किसी भी अधिकारी ने उन्हें मौके पर आने की जानकारी नहीं दी तथा आगे झूठी रिपोर्ट पेश कर दी कि समस्या सुलझ चुकी है, जबकि समस्या जस की तस खड़ी है। सहायक अभियंता जल शक्ति विभाग विनय कांत गौतम का कहना है कि चढ़ी व चोटू गांव के लोगों में आपसी सहमति न होने व चोटू के लोगों का उनके गांव को जाने वाली 1.5 इंच की मुख्य सप्लाई पाइपलाइन पर चाबी लगाने को इनकार करते हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वयं मौके पर पुनः जाएंगे और चोटू के लोगों को चाबी लगाने के लिए समझाएंगे। यदि फिर भी बात नहीं बनी तो प्रशासन के सहयोग से चाबी लगाई जाएगी ताकि समस्या का समाधान हो सके। आफ्टरनून, मेरा नाम श्वेता ठाकुर है और मैं गांव चढ़ी की रहने वाली हूँ। यहाँ पे कुछ समय से बहुत ही पानी की दिक्कत है, कुछ समय का मतलब 6-7 महीने से बहुत ही ज्यादा पानी की दिक्कत हो चुकी है, क्योंकि पानी की डिस्ट्रीब्यूशन ही थोड़ी गलत है। क्योंकि चोंटू और ये चढ़ी का, जैसे कि मुझसे पहले कहा गया कि उधर को चाबी कंट्रोल है, कुछ भी नहीं है, तो उधर ज्यादा चला जाता है ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि वो थोड़ा नीचे को है और हमारे को थोड़ा कम आता है, और जिसकी वजह से दिक्कत बहुत बढ़ चुकी है। इतनी बढ़ चुकी है कि हमें खुद ढो के पानी टैंक से या तालाब से ले जाना पड़ता है, और उसके लिए विभाग कुछ नहीं कर रहा है। ये कम्प्लेन 1100 पे मुख्यमंत्री सेवा हेल्पलाइन नंबर पे भी बहुत बार की है, कम से कम 3 से 4 बार की है। विभाग वाले आते हैं, वो इंटीमेट भी नहीं करते हैं कि हम आ रहे हैं, क्योंकि जो कम्प्लेनर होता है उसको तो इंटीमेट करना जरूरी बनता है उनका, लेकिन वो इंटीमेट भी नहीं करते हैं। और फिर ना, और वो सिर्फ इतना कह के जाते हैं कि हम इसके सोल्यूशन निकालेंगे, बट सोल्यूशन वो एज सच नहीं निकाल पाते हैं। और यहाँ पे न्यू पाइपलाइन बिछाई तो यहाँ पे कंट्रोलर लगाए, जैसे हर घर के लिए कंट्रोलर लगाए, तो कंट्रोलर लगाए तो हमें भी मतलब इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया कि कंट्रोलर लगा रहे हैं हम, तो आप आए देखें या ऐसा कुछ, और उस वजह से कंट्रोलर लगाने के बावजूद भी पानी की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब ठीक नहीं है, इक्वल नहीं है, जिस वजह से कईयों को बहुत दिक्कत है, और यही पानी की ही समस्या है जो मेन है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पानी की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, एटलीस्ट इक्वल, अगर जितना ज्यादा इक्वल हो सके उतनी हो, कंपेरेबल हो, ऐसा ना हो कि कईयों के पास पानी बह रहा है एक्स्ट्रा ही है और कईयों के पास पानी की इतनी किल्लत हो रही है कि उनको पानी का पीने तक को पानी नहीं आ पा रहा है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए अर्की से राकेश कुमार की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़े ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।